अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब यार? आज मैं जो है काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं, तो आज वीडियो में हम जो बनाएंगे कुछ इस टाइप की जो है सिंपल सी कवर फोटो। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करने, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देने। ओके, तो सबसे पहले आपने अपने पिक्सआर्ट को ओपन कर लेने और यहाँ पे आपने एक वाइट बैकग्राउंड लेने। ओके, उसके बाद जो है आपने आ जाना टूल में और यहाँ से आपने आ जाना क्रॉप वाले ऑप्शन में। तो क्रॉप में आने के बाद सबसे पहले जो है आपने इसको जो है आ जाना इस तरह नीचे, और यहाँ पे आपको दो साइज़ मिल जाएंगे, एक कवर साइज़ वाला और एक कवर के ऊपर पोस्ट वाला जो साइज़ है। इन दोनों में से कोई सभी एक साइज़ जो है आपने ले लेना है। ओके, उसके बाद जो सिंपली आपने यहाँ से इसको ओके करना है। और अब जो आपने आ जाना एड फोटो में, और एड फोटो में आने के बाद जो भी आपकी फ़ोटोज़ हैं आपने यहाँ पर एड कर लेनी है। एक अगर आप एक करना चाहते हैं तो आप एक भी कर सकते हैं, और दो या तीन करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। ओके, तो आपने कुछ इस टाइप की जो फोटोज़ जो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद जो मैं इसको यहाँ से फ्लिप रोटेट से रोटेट कर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद जो मैं इसको मूव अप जो ऊपर की साइड पे ले आता हूँ, और इसको भी आपने यहाँ पे जो है सेट कर लेना है। देन उसके बाद जो मैं इसके ऊपर से भी थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि मुझे नीचे वाली फ़ोटोज़ भी जो है दिख सके। ओके, उसके बाद जो आपने जो इरेज वाले ऑप्शन में, ओके, इरेज में आने के बाद जो आपने इस फोटो को यहाँ से जो है आपने नीचे वाली फ़ोटो के ऊपर से इरेज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको इरेज़ कर लिया, और इसकी ओपोसिटी अगेन मैंने 100 पे कर ली। और उसके बाद जो अगेन आपने जो इरेज़ वाले टूल में आ जाने, और आपने इस तरह से इन दोनों फ़ोटोज़ की जो साइड हैं इनको इरेज़ कर लेना। तो कुछ इस तरह से करने के बाद जो है आपने इसको सिंपली यहाँ से डन करना है। उसके बाद जो है अगेन आपने आ जाना है एड फोटो में, और यहाँ पे मैं एक लाइट पेंज भी ऐड करूँगा, वो आपने ऐड कर लेना है। और ये पेंज जो है आपको गूगल पे जो है मिल जाएगा, आपने लिखना है लाइट पेंज लिख के सर्च करना है, तो आपके पास इस टाइप के जितने भी पेंजेज होंगे आ जाएंगे, आपने सिंपली वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, ये ऐड करने के बाद जो आपने इसका ब्लेंडिंग में आके जो मूड है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। और उसके बाद जो आपने कुछ इस तरह से आप इसको जो अपनी फ़ोटो के ऊपर सेट कर लेना है। ओके, आप चाहें तो इसमें जो कलर वाले पीएनजीज होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइप के आपके जो लाइट पीएनजी हैं आपको कलर वाले भी मिल जाएंगे गूगल पे, तो आप सिंपली इसमें कोई सा भी जो है लगा सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग करनी है, और यहाँ से आपने इसको ओके करना है। तो उसके बाद जो है आपने आ जाना है यहाँ पे इफेक्ट्स में। तो इफेक्ट्स में आने के बाद जो है आपने यहाँ पे आ जाना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको ये जो ऊपर आप देखते हो फिल्म इफेक्ट्स, ये मिल जाएगा। ये मेरे पास रिसेंट में आ रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले यूज़ किया हुआ है। ओके, तो ये लगाने के बाद जो इसका फेड होगा आपने कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेना है। आपको कम ज़्यादा चाहिए वो आप यहाँ से फेड से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इस पर लगाना है, और यहाँ से आपने इसको ओके करना है। देन अगेन आपने इफेक्ट में आ जाना है, और अब जो आपने आ जाना है ड्रामा इफेक्ट पे। ओके, पहले आपने फिल्म लगा लेना है, और अब जो आपने ड्रामा इफेक्ट पे आना है, और उसके बाद जो आपने इसका फेड भी कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेना है। ओके, और अगर आपको इसके फेस पे इफेक्ट कुछ ज़्यादा लग रहे तो आपने आ जाने ऊपर इरेज वाले टूल में, और इस इफेक्ट को जो है आपको जहाँ पे ज़्यादा तेज़ लग रहा है वहाँ से आपने इसको इरेज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी इरेजर की जो ओपेसिटी है थोड़ी कम कर लेता हूँ, और इस तरह से इसके फेस से मैंने इसको इरेज कर लिया। ओके,
ओके, यहाँ से डन करने के बाद जो है अगेन आपने इफेक्ट्स में आ जाने और फिल्म इफेक्ट जो है आपने इसके ऊपर एक बार फिर से लगाने। ओके, पहले हमने जो फिल्म इफेक्ट्स लगाया था, उसके बाद ड्रामा, और उसके बाद अगेन आपने एक बार फिर जो है फिल्म इफेक्ट्स लगाना है। उससे क्या होगा, इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस जो है आ जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरह से आपने इसका फेड जो है इंक्रीज करना है। और इसको यहाँ से आपने सिंपली ओके करना है। देन अब जो आपने आ जाने टूल में, और यहाँ से आपने आ जाने रिसाइज वाले ऑप्शन में, और इसको जो आपने यहाँ पे रिसाइज कर लेने, आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे 666 जो टाइप कर लेने, या आपको इसका जो साइज होगा वो खुद ही बता देगा। तो 4780 पे आपने इसको रिसाइज करना है। तो इसको रिसाइज करने के बाद जो सिंपली आपने यहाँ से इसको सेव करना है। अब हम जो आ जाते हैं अपने पिक्सल लेब में। तो पिक्सल लेब में आने के बाद जो आपने सबसे पहले तो टेक्स्ट में आ जाना, और यहाँ पे आपने आ जाना इस वाले ऑप्शन में। ओके, यहाँ से आपने कोई एक जो शॉर्ट लाइन जो चूज़ करनी है, और इसका साइज जो आपने कुछ इस तरह से जो है डिक्रीज करना है। और अब आपने इसके फ़ोन में आना है, और इसमें आपने ये बेसिक फ़ोन है न्यूटन रेगुलर के नाम से, सिंपली आपने ये यूज़ करना है। ओके, तो इसको यहाँ से ओके करते हैं। तो इसका साइज जो आपने बिल्कुल इस तरह से कम करके इसको यहाँ पे ले आना है। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। अगेन जो आपने इस वाले ऑप्शन में आना है, और एक लाइन और आपने जो यहाँ से लेनी है, और इसमें भी आपने सेम फोन जो यूज़ कर लेना है। और इसका कलर जो होगा वो आपने थोड़ा जो है ग्रे टाइप का कर लेना है। तो PNG वगैरह जिस तरह आप सेट करना चाहें वो आप जो है खुद इस पर कर सकते हैं। देन उसके बाद जो अगेन आपने टेक्स्ट में आना है, और जो भी आपका नेम है वो आपने यहाँ पे जल्दी से एडिट कर लेने हैं। और इसमें जो फ़ोन मैं यूज़ करूँगा उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेने। आप चाहें तो कोई इसमें भी बेसिक फ़ोन या कोई और आप अपनी मर्ज़ी का फ़ोन भी इसमें जो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फ़ोन मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद इसके कलर में मैं आ जाता हूँ। तो इसका कलर जो है ये मैंने अपने जो फ़ोटो के अंदर से जो कलर जो है निकाला है। ओके, तो सिंपली आपने ये इस तरह से इसका कलर जो चूज़ कर लेना है, और उसके बाद आपने इसमें जो है शेडो भी लगा लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो कवर आप देख सकते हो बिल्कुल रेडी है। इसको सिंपली आपने यहाँ से करना है सेव। तो सेव करते हुए इसको जो है आपने यहाँ से अल्ट्रा कर लेना है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, और इसको शेयर भी करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।